नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। गंगा सागर, हिंदुओं में एक कहावत मशहूर है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, जिससे यह साबित होता है कि गंगा सागर का महत्व तीर्थ स्थलों में सर्वाधिक है। गंगा सागर या सागर संगम वह बिंदु है जहां पावन गंगा सागर से मिलती है। इसका उल्लेख महाकवि कालिदास के काव्य रघुवंश में मिलता है। हिंदू मिथक के अनुसार देवताओं के राजा इंद्रदेव ने एक बार महाराज सागर द्वारा छोड़े गए अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम के पास छिपा दिया। राजा के 60,000 बेटों ने मुनि को इस चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया। इससे मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने राजा के पुत्रों को शाप देकर भस्म कर दिया। बाद में वह इस बात के लिए राजी हुए कि राजा का कोई वंशज यदि पावन गंगा को यहाँ तक ले आए तो राजकुमारों को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। कई पीढ़ियों के बाद इसी वंश के राजा भागीरथ ने अपने तपोबल से गंगा से यह आश्वासन प्राप्त किया कि वह सागर द्वीप पर जाएंगे। लेकिन वह जब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक पर अवतरित हो तो उनकी वेगवती धारा को नियंत्रित करने के लिए कोई वहां उपस्थित हो। भगवान शिव ने हिमालय में गंगा को अपनी जटा में धारण किया। भागीरथ जब गंगा को बंगाल का रास्ता दिखा रहे थे, उस समय गंगा जहुन मुनि के आश्रम के ऊपर से बह रही थी। तभी मुनि ने गंगा को पी लिया और भगीरथ के अनुनय विनय करने पर जंघों से निकाल दिया। इसलिए बंगाल में गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं। सागर द्वीप में केवल थोड़े से साधु ही रहते हैं। यह द्वीप लगभग 150 वर्ग मील के लगभग है, जहां गंगा सागर का मेला लगता है। वहां से 2 किलोमीटर उत्तर वामनखल नामक स्थान में एक प्राचीन मंदिर है। उसके पास चंदनपीढ़ी वन में एक जीर्ण मंदिर है और बुड़बुड़ी नदी के तट पर विशालाक्षी का मंदिर है। पहले यहाँ गंगा जी समुद्र से मिलती थी, किंतु अब गंगा का मुहाना पीछे हट आया है। अब गंगा सागर के पास गंगा जी की एक छोटी धारा समुद्र से मिलती है। गंगा सागर का मेला मकर संक्रांति पर लगता है और प्रायः 5 दिन रहता है। इसमें स्नान 3 दिन होता है। गंगा सागर में कपिल ऋषि का सन 1973 में बनाया गया एक बड़ा सुंदर मंदिर है। इसमें मध्य में कपिल ऋषि की मूर्ति है तथा उसके एक ओर राजा भागीरथ को गोद में लिए हुए गंगा जी की मूर्ति है और दूसरी ओर राजा सागर तथा हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। इसके अतिरिक्त यहाँ आचार्य कपिलानंद जी का आश्रम, युगेंद्र मठ, शिव शक्ति महानिर्वाण आश्रम, महादेव मंदिर एवं भारत सेवाश्रम संघ का विशाल मंदिर स्थित है। गंगा सागर में यात्री प्रायः रेत पर ही पड़े रहते हैं। संक्रांति के दिन समुद्र से प्रार्थना की जाती है और प्रसाद चढ़ाया जाता है तथा समुद्र स्नान किया जाता है। दोपहर को फिर स्नान तक मुंडन होता है। यहाँ पर लोग श्राद्ध पिंडदान भी करते हैं। इसके पश्चात कपिल मुनि के दर्शन करते हैं। 3 दिन समुद्र स्नान तथा दर्शन किया जाता है। इसके बाद लोग लौटने लगते हैं। 5वें दिन मेला समाप्त हो जाता है। गंगा सागर में मीठे जल का अभाव है। मेले के समय यात्रियों के लिए जल की सामान्य व्यवस्था होती है। मीठे जल का एक कच्चा सरोवर है, उसमें मेले के समय कोई स्नान नहीं कर सकता। घड़े में वहाँ का पानी ले जा सकते हैं। आसपास खारे पानी के 2-3 सरोवर हैं। इसी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदू रिचुअल्स। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि निःशुल्क है।